मेडिकल शिक्षा में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण केंद्र सरकार का एक अभूतपूर्व फैसला है। सही मायनों में केंद्र की मोदी सरकार पिछड़ा वर्ग हितैषी है। ये बात भाजपा ओबीसी मोर्चा की जिला कार्य समिति की बैठक में मुख्य अतिथि मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं सांसद सदस्य नायब सिंह सैनी ने कही। उन्होंने कहा कि जहां मोदी सरकार ने मेडिकल शिक्षा में ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया, वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल में 27 ओबीसी वर्ग से मंत्रियों को शामिल किया, जो कि अब तक सर्वाधिक है। मोदी सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर भी ओबीसी वर्ग को सुरक्षित करने का कार्य किया गया है। सैनी ने बैठक में बोलते हुए कहा कि कोरोना की दूसरी लहर बहुत तीव्र गति से आई, परंतु केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार ने उससे निपटने का बाखूबी प्रबंधन किया। जहां प्रदेश सरकार ने ऑक्सीजन का कोटा 257 मीट्रिक टन करवाया, वहीं 14,000 ऑक्सीजन बेड व 5,000 वेंटिलेटर बेड की तीव्र गति से व्यवस्था भी की। इसके साथ ही हिसार व पानीपत में तुरंत 5,500 ऑक्सीजन बेड के 2 अस्थायी अस्पताल तैयार किए। मरीजों को कोई असुविधा ना हो, इसलिए 25 बड़ी व 110 मिनी बसों को एम्बुलेंस के रूप में परिवर्तित किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में 8,000 टीमों द्वारा 40 लाख परिवारों को डोर टू डोर कोरोना जांच की गई, और जो कोरोना मरीज अपने घरों में आइसोलेशन में थे, उन्हें आइसोलेशन किट जिसमें ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, स्टीमर इत्यादि 15 जरूरी चीजें थी, वे भी घर पर भी निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई। भाजपा के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में ही प्रदेश सरकार ने लगभग 85 लाख मीट्रिक टन गेहूं किसानों से खरीद की, जिसका सारा पैसा सीधा किसानों के खाते में ट्रांसफर किया। ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश सैनी ने केंद्र व प्रदेश सरकार की भाजपा सरकार द्वारा ओबीसी वर्ग के हित में मेडिकल शिक्षा में 27% आरक्षण, केंद्रीय मंत्रिमंडल में 27 मंत्रियों को शामिल करना, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना, कोरोना से बचाव के लिए द्रुत गति से वैक्सीन तैयार करना, देश भर में कोरोना लैब की संख्या 1 से 2500 करना, 14 लाख आइसोलेशन बेड व 81,000 ICU बेड करना, 80 करोड़ व्यक्तियों को दिवाली तक मुफ्त खाद्यान्न देना, ओलंपिक खिलाड़ियों को नौकरी में 3% आरक्षण देकर वे स्वर्ण पदक पर 6 करोड़, रजत पदक पर 4 करोड़, कांस्य पदक विजेता को 2.5 करोड़ रुपए देने के लिए कार्य समिति में धन्यवाद प्रस्ताव रखा, जिसे ध्वनिमत से पास किया गया। सैन ने धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र सेवा ही संगठन है। इसी मंत्र पर काम करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के नेतृत्व में वे भाजपा के लगनशील मेहनती व संवेदनशील कार्यकर्ताओं ने प्रदेश व जिला अनुसार मेडिकल हेल्थ सेंटर खोलकर मरीजों की सहायता की। सैन ने बताया कि भाजपा की हरियाणा इकाई ने 432 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अमेरिका से आयात कर जिला स्तर पर ऑक्सीजन बैंक स्थापित कर दिखाया कि राजनीतिक दल केवल राजनीति करने के लिए नहीं अपितु सेवा करने के लिए भी होते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश में कोरोना से दिवंगत आत्माओं की स्मृति में 6,617 पौधे और उनके परिजनों के साथ मिलकर लगाना दिवंगत आत्माओं की स्मृति को सहेजने का कार्य किया। इस कार्य समिति की बैठक में ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रमुख व जिला प्रभारी डॉक्टर राजबीर आर्या ने केंद्र में प्रदेश की भाजपा सरकार, भाजपा के शीर्ष संगठन, कोरोना की चुनौतियों का सामना करने वाले डॉक्टर, स्टाफ, नर्स, फ्रंटलाइन वॉरियर्स, कोरोना महामारी से लड़ने में सहयोग करने वाले कॉरपोरेट उद्योगपति व सामाजिक संस्थाओं व अन्य का भी ध्वनिमत से धन्यवाद प्रस्ताव पास किया। कार्य समिति की बैठक को जिलाध्यक्ष राजकुमार सैनी ने भी संबोधित किया। ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष जसविंदर सैनी ने कार्य समिति की बैठक में आगंतुक मेहमानों का स्वागत वह धन्यवाद किया। बैठक में मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल जांगड़ा, जिला महामंत्री रामदास सैनी व फूल सिंह पाल, सुरेंद्र माजरी, देशराज कश्यप, अंग्रेज सिंह, गुलजार सिंह, रवि गुज्जर, सुरेश कुमार, हरिश्चंद्र, राजू कश्यप आदि भी उपस्थित रहे।